नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक 6 राशियों का प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध कैसा रहने वाला है। वे 6 राशियाँ हैं मेष, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक और जातिकाओं का 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध कैसा रहने वाला है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने लव मेट पर खूब प्यार लुटाएंगे, जिससे प्रेम के रिश्ते में मजबूती आएगी। यदि लव मेट आपसे दूर रहता है तो इस दौरान उनसे मिलने के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए भी समय अच्छा है। वह समस्या जो बीते कुछ समय से लगातार आपके रिश्ते को खराब कर रही थी, वो दूर हो सकती है। यदि सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करें तो सिंह राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपके पंचम भाव में बृहस्पति के स्थित होने से प्यार को नया आयाम मिलेगा। आप अपने लव मेट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उनके साथ समय बिताने का भी पूरा मौका मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो इस समय थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आपके जीवन साथी को उनसे कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी है, कोशिश करें और उसे दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। यदि बात करें कन्या राशि के प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध के बारे में तो कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों को लेकर अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन आपका लवमेट किसी भी हालात में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप दोनों एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी आप दोनों के बीच नहीं आएगी। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आपकी संतान है तो उनको लेकर कुछ मानसिक परेशानियां आपको सता सकती हैं। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। यदि तुला राशि के प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने लव मेट के बारे में कोई गलत राय न बनाएं, इससे आप दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जब तक आपके हाथ में कोई पुख्ता सबूत ना हो, तब तक लव मेट पर शक करने से बचें और ना ही इस संबंध में कोई बात करें। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी आपकी अनकही बातों को समझ पाने में भी कामयाब होगा। हालांकि सप्ताह का मध्यम भाग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आप दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। यदि सप्ताह मकर राशि के जातक और जातिकाओं के प्रेम संबंध, विवाह संबंध, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करें तो मकर राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति आपके मन को बार बार विचलित कर सकती है और आप अपने लव मेट के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ सकते हैं और उनमें कमियां निकाल सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। यदि आप अपने जीवन साथी को समय दें तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। यदि बात करें हम कुंभ राशि के प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध के बारे में तो कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को इस सप्ताह महसूस होगा कि उनका लव मेट उनके लिए सब कुछ है।
आप का नमेट आपके मनोभाव के अनुसार ही सप्ताह व्यवहार करेगा और आप पर प्रेम लुटाएगा। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ जुड़कर धन से जुड़े मामलों पर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में उनके साथ रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 6 राशियों का 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक प्रेम विवाह और व्यक्तिगत संबंध का राशिफल। मेष, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि मेरे प्यारे मित्रों आपकी लव लाइफ में या आपके पति पत्नी के रिश्तों में या विवाह में रुकावटें आ रही हैं या फिर आप जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, शिक्षा से, विदेश से, नौकरी से, कारोबार से जुड़ी हुई समस्या के बारे में निदान चाहते हैं, निवारण चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।